क्वेश्चन आंसर में है इनका है पंजाबी लिटरेचर कंप्यूटर साइंस एंड हिस्ट्री, लेकिन इन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं बताई, मेजर और माइनर सब्जेक्ट पूछे हैं। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री आपने पढ़ा है, हिस्ट्री आपका अगर आप पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में हो, पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हो, तो हिस्ट्री आपका मेजर सब्जेक्ट आपको एसएसटी भी मिल सकता है, लेकिन आपको एडिशनल सब्जेक्ट ग्रेजुएशन का देना होगा, कम से कम फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस का, दो सोशल साइंसेज पढ़ी होनी चाहिए। अगर आप गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में हो तो आपका सिर्फ हिस्ट्री बनेगा, इधर हिस्ट्री और एसएसटी दोनों आपके मेजर सब्जेक्ट बन रहे हैं, तो ये आप फिल कर सकते हो। दूसरा कंप्यूटर साइंस भी आपका मेजर सब्जेक्ट बन रहा है, इसको भी फिल कर सकते हो। अब ये देखना है टीचर किसके बनना चाहते हो। पंजाबी लिटरेचर आपका माइनर सब्जेक्ट है, ये रहा माइनर, एम आई एन ओ आर कर दिया मैंने, तो आपका मेन सब्जेक्ट क्या बना। अगर आप गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में हो तो हिस्ट्री और पंजाबी आपका बेस्ट बन रहा है। अगर आप पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला या पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हैं तो आपका हिस्ट्री पंजाबी भी बन रहा है, एसएसटी पंजाबी भी बन रहा है, ये भी आपको साथ में करना पड़ेगा। और दूसरा आपका बन रहा है कंप्यूटर साइंस एंड पंजाबी, पंजाबी आपका माइनर सब्जेक्ट है, कॉलेज देगा। अभी आप जो चॉइस फिलिंग करोगे उसमें कंप्यूटर साइंस और हिस्ट्री, इसमें से एक आपको प्रेफर करना होगा। नेक्स्ट है सर मैं बीए विच पॉलिटिकल साइंस इलेक्टिव इंग्लिश, हाँ ये इलेक्टिव इंग्लिश बता रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये हो गया आपका माइनर और पब्लिक एड है। ये पॉलिटिकल साइंस जो अंडरलाइन किया है, पब्लिक एड है, ये मिलके बन गए दोनों एसएसटी, आपका एसएसटी बन गया, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो मेजर सब्जेक्ट बन गया, तो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है एसएसटी इंग्लिश। इसी को नहीं छोड़ना, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए डायरेक्टली आप एलिजिबल हो दोनों पोस्ट के लिए, और आपको एडिशनली अच्छा 71% इनके मार्क्स है ग्रेजुएशन में। मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन, ये मैं बता दूं कि ग्रेजुएशन के मार्क्स तभी काउंट होते हैं गवर्नमेंट जॉब में जब आपकी जो पीएस टेट के मार्क्स या सिलेक्शन टेस्ट के जहाँ जो मेरिट बनी है उसके मार्क्स मैच कर गए हैं, इक्वल हैं और आपकी कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ, और दूसरा आपकी एज सेम है, डेट ऑफ बर्थ सेम है, तो आपको प्रेफर फिर देखना है कि मार्क्स किसके ज़्यादा हैं, अदरवाइज ग्रेजुएशन की वैल्यू के मार्क्स के नहीं, कहीं कहीं भी नहीं है। एंड मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन विच पब्लिक एड है, पब्लिक एड का फ़ायदा आपको टीचिंग लाइन में दिखाई नहीं देता, क्योंकि पब्लिक एड की पीजीटी की पोस्ट निकलती नहीं है, बहुत कम हो भी सकता है, तो दैट इज़ वाई आपको पब्लिक एड लेने के लिए दूर किसी कॉलेज में जाना पड़ेगा, आपको एसएसटी प्रेफर करना चाहिए, कॉमन है, और उसके लिए फाइट करना चाहिए। सर प्लीज़ गाइड मी हाउ टू बिकम एलिजिबल फॉर, आगे भी कुछ लिखा है उसको भी पढ़ना पड़ेगा, इसको रब करके यहाँ पर जाएंगे हम नवी जी के पास, ये रहा रीड मोर है ना, प्लीज़ गाइड मी हाउ टू बिकम एलिजिबल फॉर पीजीटी एंड टीजीटी। आप टीजीटी के लिए बनो, एसएसटी के लिए और इंग्लिश के लिए, अगर एमए इंग्लिश कर लेते हो तो बाद में आप टीजीटी के लिए अभी एलिजिबल हो, एमए करने के बाद पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा। प्लीज़ मेंशन द पोस्ट आल्सो, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट का आपको, क्योंकि निकलती नहीं है, उसके लिए फाइट मत करो, एसएसटी और इंग्लिश आपका बेस्ट है। वापस चलते हैं यहाँ से, नेक्स्ट है सर मैं इलेक्टिव पंजाबी, ये आपका माइनर हो गया सब्जेक्ट पंजाबी, इसको नहीं छोड़ना आपने। हिस्ट्री कंप्लीट एप्लीकेशन इन बीए एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर होगा ना यहाँ पर, मेरे ख्याल में मिस स्पेल हो गया, तो पंजाबी कितने सर मैंने दस दो के, सर मैं बहुत मैसेज किया मेरा तुसी रिप्लाई नहीं किया, वेरी सॉरी अज तुसी आ गए हो रिप्लाई दी रेंज विच, लो जी इतने रिप्लाई है, ओके नहीं तुसी होर भी है इतने तक मैथड है, ओके तो आपको ये रहा आपका इलेक्टिव पंजाबी माइनर है आपका बन रहा माइनर, ये कॉलेज में जाके मिलेगा, ओके यही लेना है, कोई और नहीं लेना, पंजाबी लेना लेना है। कारण है अगर एमए पंजाबी आप करते हो तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल बन जाओगे, नहीं भी करते तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो, दैट इज़ वाई। अब यहाँ प्रॉब्लम है मेजर सब्जेक्ट में, हिस्ट्री है ये, अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन है इसको मान के चल रहा हूँ, अब आपने यूनिवर्सिटी नहीं बताई, अगर जी एन डी यू में हो आप तो आपको सिर्फ हिस्ट्री ही मेजर मिलेगा, इट मीन्स वहाँ बना आपका हिस्ट्री एंड पंजाबी, ये वाला हिस्ट्री एंड पंजाबी मेजर बना। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ या पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में हो तो आपको एसएसटी मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ एडिशनल आपको बीए का पॉलिटिकल साइंस का देना पड़ेगा,
एडमिशन और भी साइंसेज हैं उसका भी दे सकते हो, ये देना पड़ेगा, उसके बाद आप एसएसटी के लिए एलिजिबल हो। तो ये आपका बन गया डायरेक्ट हिस्ट्री। वो हिस्ट्री अगर करते हो तो एमए हिस्ट्री करनी ही पड़नी है, फिर पीजीटी के लिए एलिजिबल हो गए, ये बात जरूरी है। अगर एसएसटी के लिए कर रहे हो तो एसएसटी अप्लाई पंजाबी या पंजाब में कर रहे हो तो आपको 100% ये पॉलिटिकल साइंस या कोई और सोशल साइंस का एडिशनल ग्रेजुएशन का देना पड़ेगा, ये आपकी पक्की प्रॉब्लम है। तो प्रेफर आपने क्या करना है ये देखना है। दूसरा कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आपका सीधा बन रहा है, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड पंजाबी इजीली मिल जाता है, लगभग हर कॉलेज में मिल जाएगा। लेकिन कंप्यूटर एप्लीकेशन की पोस्ट निकलती है नहीं निकलती है, अभी इतिहास में नहीं निकली है, दैट इज वाई इसके लिए गाइड नहीं करूंगा। दैट इज वाई आपका मेजर बन रहा है हिस्ट्री पंजाबी, एसएसटी पंजाबी, कंप्यूटर एप्लीकेशन पंजाबी, लेकिन एडिशनल आपको देने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने माफ कर दिया होगा। अब आपका जो है मैसेज मिल गया है आपको, है ना, रिप्लाई। इकोनॉमिक्स मैथ्स एंड पंजाबी बी एड विच कौन से सब्जेक्ट दसो प्लीज़, ये दसे हम दसने के लिए यहाँ बैठे हैं और क्या कर रहे हैं। आपके पास मैथ्स है, मैथ्स को मत छोड़ो, मैथ्स का स्कोप ज़्यादा होता है। दूसरा, मैथ्स टीजीटी बन रहा है। तीसरा, अगर एमएससी मैथ्स कर लेते हो या एमए मैथ कर लेते हो तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल बन जाते हो, दैट इज़ वाई इसको मत छोड़ो, नंबर वन रैंक पर मेजर सब्जेक्ट है ये। अभी काउंसलिंग आएगी, इसमें मैथ्स ही फिल करो, ठीक है, जाके मैथ्स। दूसरा आपका जाके आप फिर बाद में देखो, मैथ्स ही फिल करो, दूसरा कोई मत फिल करो, कॉलेज बेशक चेंज कर लो, मैथ्स मत चेंज करो। मैथ्स के साथ आपका इकोनॉमिक्स भी बनता है, मैथ्स के साथ पंजाबी भी बनता है, ये बात में गाइडेंस चाहिए। लेकिन अगर आप मैथ के साथ इकोनॉमिक्स में जा रहे हो, अगर 3 साल पढ़ी भी है तो फिर आपको एमए इकोनॉमिक्स करनी इको करनी पड़ेगी, तभी आप पीजीटी के लिए एलिजिबल होगे। इकोनॉमिक्स की टीजीटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है। मैं सुजेस्ट करूंगा कि आप मैथ पंजाबी के लिए ही जाएं, क्योंकि पंजाबी में आप टीजीटी अभी एलिजिबल हो गए, जैसे यहाँ मैथ्स के लिए था। अगर आप एमए पंजाबी करते हो तो पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, इन दोनों की नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा निकलती हैं। दैट इज़ वाई मेरा सुजेशन है मैथ्स पंजाबी को ही प्रेफर करें। अगर आपका पैशन है इकोनॉमिक्स की तरफ तो फिर आप जा सकते हो। सर 55 कंपलसरी है एमए इंग्लिश विच, मैंने वीडियो डाला है उसमें, हाँ 50 अभी पिछली पोस्ट जितनी भी पीजीटी की आई हैं, पीजीटी है ना, आपने लिखा नहीं रहा, जब पीजीटी लिखो, ऐसे पीजीटी लिखो तो फिर 55 ही हैं अभी तक। देखिए अच्छी तरह समझना, जो 2015 में कंडीशन थी 55 की, टीजीटी पीजीटी दोनों की थी, लेकिन 2022 में ये जो कौन सी योजना थी, एक कोई भी योजना हो वो करके हमने लार्ज नंबर ऑफ पोस्ट निकाली थी, उसमें 45 कर दी गई थी, लेकिन वो 102 कुछ टाइम पीरियड के लिए की गई थी शायद कांग्रेस के द्वारा। तो अब आम आदमी पार्टी है तो जो वो डिसीजन था वो पीरियड निकल गया है, ऑटोमेटिकली 55 हो गई। फिर जब ऑटोमेटिकली 55 हो गई है, अब आम आदमी पार्टी या भगवंत मान जी इसमें क्या चेंजेस करते हैं ये बात की बात है। अभी तक 55 ही चल रही है, इसको ऐसे ही मान के चलना है। चल भैया चलो जी। बीए विच इकोनॉमिक्स, सर मैं वी इकोनॉमिक्स कितने कितनी है और 3 साल हिस्ट्री और इलेक्टिव पंजाबी सी बीए विच, प्लीज़ टेल मी सब्जेक्ट। प्लीज़ क्यों यार, जरूर करेंगे, हुक्म करो यार, क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात। बीए विच इकोनॉमिक्स, वेरी गुड, और आपने एमए भी इकोनॉमिक्स है ना, तो क्यों फिर आप पीजीटी के लिए इजी हो, पीजीटी के लिए यूनिवर्सिटी नहीं बताई आपने, अगर जीएनडीयू हो है ना, जीएनडीयू है तो आप पीजीटी के लिए ही जाइए, मतलब मेजर जो है इकोनॉमिक्स ही मेजर सब्जेक्ट लीजिए, मेजर ओके। अगर आप पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जा, यार आपने हिस्ट्री भी पढ़ी हुई है, आपने हिस्ट्री भी पढ़ी हुई है, अब आपके सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे बन गए हैं क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा बन गई है, तो ये आपकी सेकंड प्रेफरेंस है। पहली प्रेफरेंस आपने हिस्ट्री पढ़ी है, इकोनॉमिक्स दोनों अच्छे सब्जेक्ट हैं, आपका इन दोनों के बेस पर एसएसटी बन रहा है, यार यहाँ लिख रहा हूँ एसएसटी, फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी मेजर की एसएसटी है, दूसरी आपकी इकोनॉमिक्स है मेजर की, ओके। आप साथ में क्योंकि इलेक्टिव पंजाबी पढ़ी है, टीजीटी के लिए जाते ही आप एलिजिबल हो, एमए पंजाबी करते हो तो पीजीटी के लिए भी एलिजिबल बन जाते हो, तो एसएसटी पंजाबी लीजिए, ये आपकी कॉम्बिनेशन बना, इकोनॉमिक्स पंजाबी ये आपका दूसरा बना, ठीक है। दोनों ही आपके बेस्ट हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स आपने की हुई है, लेकिन पोस्ट कम होगी, ये बात समझ लेना। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तभी इसमें पंगा लेना, क्योंकि बहुत पढ़ना पड़ता है,
लेकिन एसएसटी में पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा हैं पर कैंडिडेट भी ज़्यादा हैं। आपने तैयारी शुरू करनी है अभी से शुरू कर सकते हैं हम टेट की भी और दूसरे की भी। दूसरा क्या आंसर ये यार जो होता है सिलेक्शन टेस्ट है ना, तो ये आपके बने हैं। नेक्स्ट है सर कॉमर्स बीएड ले कॉम्बिनेशन के दे बेस्ट है इकोनॉमिक्स या लैंग्वेज? डायरेक्ट उत्तर है लंबा लैंग्वेज। कारण है कि मेरे ख्याल में 3 साल इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी है अगर बीकॉम में है ना, कॉमर्स वालों ने अगर पढ़ी है तो इकोनॉमिक्स का फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद आपको एमए इकोनॉमिक्स करनी पड़ेगी, एमए इकोनॉमिक्स, और आपको एमकॉम करनी ही पड़ेगी। देखो एमकॉम करके आप कॉमर्स के लिए एलिजिबल हो गए पीजीटी के लिए, ठीक है। तो ये रहा आपका इकोनॉमिक्स अगर 3 साल पढ़ी है, वैसे मेरे ख्याल में नहीं पढ़ी किसी ने है ना, तो ये आप एलिजिबल नहीं हो इकोनॉमिक्स, फिर पंगा मत लो 3 साल नहीं पढ़ी। इट मींस पहले एडिशनल इकोनॉमिक्स दोगे, फिर एमए इकोनॉमिक्स करोगे, फिर पीजीटी के लिए सिर्फ एलिजिबल होगे जिसकी पोस्ट बहुत कम होगी। लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश रख ली, आप एडिशनल पेपर दे दिया आपने किसका बीए का, सभी यूनिवर्सिटी करवा देती हैं, तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो गए, आपका स्कोप कितना ज़्यादा बढ़ गया। आप एमए इंग्लिश करते हो आप पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो। तो आपका उत्तर है लैंग्वेज को प्रेफर करना चाहिए, एडिशनल देने ही पड़ेंगे, वहाँ बहुत ज़्यादा है बहुत कम आउटपुट है, यहाँ पर कम में। सर बी एड च इकोनॉमिक्स विद मैथ कॉम्बिनेशन बन सकता है? देखो बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। ऐसे है कि मैथ पहले रख लो ना, 3 साल अगर पढ़ा है 3 ईयर्स, अगर 3 साल नहीं पढ़ा फिर इकोनॉमिक्स मैथ है, बात कोई नहीं है, एडिशनल करना ही पड़ना है 3 साल का, ये भी पूरा करना पड़ना है वो भी करना पड़ना है, बन सकता है। तो आप मैथ को मेजर सब्जेक्ट फिल कीजिए, इकोनॉमिक्स को माइनर, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का आप पीजीटी बनेगा और आपको एमए इकोनॉमिक्स करनी पड़ेगी। यहाँ मैथ्स का टीजीटी बन रहा है, एमए मैथ्स कर लेते हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन मैथ कर लेते हो, पीजीटी के लिए भी एलिजिबल बन जाते हो, तो यहाँ बहुत ज़्यादा फायदे हैं, इकोनॉमिक्स से कम है, इसको मेजर रखिए, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि आप मैथ्स के साथ लैंग्वेज ले लो, लेकिन वो आपने पूछा ही नहीं क्वेश्चन, मैं फिर ऐसे नहीं बता सकता, आपकी प्रेफरेंस नहीं रहेगी। यस ये बनता है, मैथ इकोनॉमिक्स आपको लगभग सभी कॉलेज में मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स मेजर और मैथ माइनर ये किसी किसी कॉलेज में मिलेगा, दैट इज़ वाई प्रेफर मैथ्स एड एज मेजर सब्जेक्ट। इतने काफ़ी हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं क्वेश्चन आंसर में, थैंक यू।